नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ चाइना के एक मंदिर में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चाइनीज जो लोग हैं वो किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चाइना वाले मंदिर का नाम, और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इनके जो रिचुअल्स है वो कैसे होते हैं, क्या ये अगरबत्ती जलाते हैं नहीं जलाते, या क्या क्या होता है मंदिर में, वो सब चीज़ें। तो आओ चले। ये सड़क पे मंदिर का मेन दरवाज़ा है, इसका नाम मैंने आपको दिखाया था। अंदर चलता हूँ, अंदर आपको मंदिर दिखेगा, उसके साथ में यहाँ पे एक स्काई ब्रिज बना हुआ है लोगों के वॉक के लिए, बहुत ही अच्छा है, उस पर कभी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो अंदर चलें। तो जो चाची है वो मुझे दे रही थी अगरबत्ती, बोले कि आप जा कर के वहाँ पर अगरबत्ती लगाओ। मैंने कहा भाई मैं अभी नहीं लेने वाला। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो स्काई ब्रिज को जा रहा है, यहाँ बहुत सारी भीड़ है। हम चलते पहले मंदिर की तरफ, मैं आपको मंदिर की चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे हैं। सबसे पहले छोटा मंदिर आता है, जहाँ पे अब आप इनको चाहें बौद्ध विहार कहिए या फिर आप इनको जो नाम देना चाहें वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं एक नॉर्मल भाषा में आपको मंदिर तौर पर समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है, ये हर जगह एक कॉमन स्टैचू मिलता है, आपको सब मंदिरों में लगभग मिल ही जाएगा। ये देखिए इनके पूजा अर्चना में मंदिर के बाहर अगरबत्ती लगाने की जगह है, आप यहाँ पे आके अपनी अगरबत्ती लगाइए और इसकी बहुत अच्छी सुगंध भी रहती है। ये अंदर जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से आके लोग प्रार्थना करते हैं। जूते पहन के आप अंदर आ सकते हो, लोग बड़े खुले दिल से आके यहाँ प्रार्थना करते हैं। और इनके कुछ अलग अलग रिचुअल्स भी हैं, उनको भी यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो करते हैं। यहाँ ये कुछ चाइनीज भाषा में कुछ सद्वाक्य लिख रहे हैं, शायद मेरा अंदाज़ यही होगा, मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा सोचना या फिर यूँ समझिए कोई नॉलेज नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको कभी बताऊँगा जब मुझे पता चलेगा या मैं किसी से पूछूँगा। तो ये कुछ लिखते हैं और फिर लोग इन्हें अपने घर पर ले जाते हैं। एक को हमने देख लिया है, आगे दो और बौद्ध विहार बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे। जो मंदिर बचे हैं उनको हम देखेंगे। ये देखिए बाहर इस तरीके से मोमबत्ती जलाने की जगह बनी हुई है और अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारी अगरबत्तियाँ यहाँ है। ये कोड जो आपको दिख रहा है, ये QR कोड, इस पर स्कैन करके आप पे करके ये चीज़ ले सकते हैं। ये देखिए अगरबत्ती, इनको जलाने की जगह और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आप इनको वीडियो को देखते देखते ये भी समझ सकते हैं कि अपने इंडिया में हम किन किन रिचुअल्स को ऐसे सेम करते हैं। जो बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप में समझ सकते हैं कि दो देशों में किस तरीके से संस्कृति सेम है या फिर अलग अलग है। ये देखिए मंदिर के बाहर खड़े होके लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंदर की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मंदिर किस तरीके से अंदर से इनकी जो रूफ़ है उसको, छत को किस तरीके से डिजाइन किया है वो देखिए। अंदर किसी का भी ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पे सब लोग समान है। सभी जो यहाँ पे आया है खड़ा होके प्रार्थना कर सकता है, और जो अपने मन में उनकी बात है वो अपने प्रभु के पास कहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई यहाँ पर ऊँच नीच नहीं। ये देखिए यहाँ के इनके कुछ रिचुअल्स है, ये हाथ में कुछ इन्होंने ये लिया हुआ है। अब ये हो क्या रहा है वो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन आप देख सकते हैं ये लोग अपने भगवान को बहुत सारे फूल चढ़ाते हैं और फ्रूट्स लेके आते हैं इनके लिए। ये देखिए आप, इतना फ्रूट्स यहाँ पे रखा है, और मुझे लगता है ये कुछ सद्वाक्य हैं जो इन्होंने अपने यहाँ पर लगाए हैं। आप देखिए, अगर आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़ सकते हैं।
ये मुझे लगता है वो जो सूत्राज मैंने आपको दिखाए थे उन्हें लोटस सूत्रा कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी और जो इनकी क्रियाएं हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। घुटनों पे आके लोग खड़े होते हैं, और ये जो आपको डंडियाँ सी खड़ी दिख रही है इस इनको भी लोग निकाल के देखते हैं। और ये जो डब्बा टाइप का दिख रहा है ये इनका दान पात्र है, आप पैसे वैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ QR कोड है, तो यहाँ डिजिटल करेंसी बहुत चलती है, ऑनलाइन चलता है ज़्यादातर, तो आप वैसे भी पैसा यहाँ दे सकते हैं। देखिए कितनी श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं भगवान के सामने। और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ये देखिए लाइटिंग वाले भी हैं जिनमें बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, इनको देख के भी आपको एक बहुत ही अट्रैक्शन फील होता है। घुटनों पे खड़े हो के ईश्वर की अर्चना, बहुत ही अच्छा अद्भुत। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ जस्ट इसी के अगला वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। अब देख लो आपको ऐसे वीडियो देखने हैं, कंटेंट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करो। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए जो आपको नया देखना है, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। और दूसरे वीडियो देखें, मैंने 500 से ज़्यादा वीडियो लगाया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।